उनको जितना हम ऑनर कर सकते हैं क्योंकि शायद उनको इतनी पाकिस्तान की जरूरत नहीं होगी जितनी पाकिस्तान को उनकी जरूरत है। पाकिस्तान की जाहिर है इनको भी जरूरत होगी लेकिन पाकिस्तान को इन लोगों की ज्यादा जरूरत है क्योंकि ये यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने में हमारी इकोनॉमी की रिवाइवलिज्म में और हर तरह से हमारा एक अहम किरदार अदा कर सकती है। थैंक यू वेरी मच। अब मैं इल्तमास करूंगा जनाब सैयद साजिद मेहदी सलीम शाह साहब से कि वो आज की इस किताब के वाले से इजहार ख्याल करें। जनाब सैयद साजिद मेहदी सलीम साहब जो मेंबर पार्लियामेंट हैं बियाड़ी से आपकी भरपूर तारीफ। सबसे पहले तो मेरे भाई तारीख साहब का मशहूर हूँ। मुझे आज इनका नहीं पता था, बस फ़ोन पे मेरी इनसे सुबह बात हुई तो उन्होंने हुक्म दिया कि आज किताब नुमाई है मेरे के लिए। इसकी शादी थी आज दोपहर, उसको दोस्तों साथ मुश्तर करके चूँकि इनका हुक्म होता है हमारे लिए मैं हाजिर हुआ। मैंने पूरी बात तो खर्चदार की मैं नहीं सुन सका पूरी तकरीब, लेकिन जितनी भी मैंने सुनी है उससे मुझे यही आइडिया हुआ है। इसमें तो कोई शक नहीं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, किसी की भी नहीं होगी। वे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो एक सरमाया है पाकिस्तान, और उन्होंने पाकिस्तान का बड़ा बोझ अपने कंधों में दिया हुआ है। इसमें हकीकत कोई पहचाने या ना पहचाने, और उनकी बड़ी सर्विसेज हैं जो वाकई हम एक्नॉलेज नहीं करते। पाकिस्तान वाले जो यहाँ हैं, गवर्नमेंट लेवल की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट लेवल पे वो पजीराई नहीं है जो इनको होनी चाहिए थी। पहली दफ़ा इस टर्म में पंजाब गवर्नमेंट ने इसको महसूस किया, सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट, उसने सूबे लेवल पे इनके लिए एक डेस्क बनाया जिसका डीजी इंचार्ज है, उसका मेंबर डीआईजी भी है, उसका एसपी भी है, बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के मेंबर हैं, और ये उनकी जो है वो ज़िले लेवल तक उन्होंने बनाया हुआ है। हर ज़िले में आपका एक बहुत प्रोमिनेंट जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो चेयरमैन है, डीपीओ और डीसी उसके मेंबर है, और हर महीने उसकी एक मैंडेटरी मीटिंग होती है। सिर्फ कोई सी ओवरसीज की आप एप्लीकेशन आ जाए कोई प्रॉब्लम, चूँकि पंजाब गवर्नमेंट ये समझती है कि आपकी फैमिली यहाँ है, आपका सरमाया यहाँ आता है, उसको हर तरह से प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए क्योंकि आप बैठे वहाँ पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। पहले कुछ नहीं था, अब अगर आपकी एक एप्लीकेशन किसी किस्म की भी आ जाए, कोई वर्त करने आप प्लाट का है, कब्जा हो जाता है, कुछ ऐसे ओवरसीज को लेता है और फैमिली को प्रॉब्लम होता है, तो जितना प्रॉम्प्ट एक्शन इस टर्म में शुरू हुआ है पहले मैंने नहीं देखा। ये बड़ी खुशाइंदा बात है और ये तमाम सूबे में होने चाहिए, और मैं कहता हूँ सेंटर में भी होना चाहिए, मरकज में भी ये होना चाहिए, ये एक टेस्ट होना चाहिए। जो ओवरसीज की वजारत है वो काम नहीं कर रही जो उसको करना चाहिए। लकीली समझ रहे हैं, लकीली समझ रहे हैं, मैं उसका स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर भी हो सकता हूँ। चार साल, सवा चार साल हो गया हम उनकी मीटिंग भी अटेंड करते हैं, लेकिन मैं चार साल में यकीन करें कोई ऐसा फ्रूटफुल हमने कोई काम नहीं किया जिससे को उसी पाकिस्तान खुश हों कि हमारे मुल्क ने या हमारे निस्टी ने कोई ऐसा काम किया। ये होना चाहिए क्योंकि देखो
इकॉनमी में आपको बहुत बड़ा हिस्सा है। दूसरे जैसे पाकिस्तान की बात हो रही थी,